आंटी जी बाहर नमस्ते करा मैंने। सही बात, आंटी बाजी करे तुम्हारी लाइफ खत्म उस दिन, समझ लो ना तुम घर के रह पाओगे ना तुम दोस्त के रह पाओगे। बंद हो गए? अबे यार कैसे खुलेगा ये? ये बंदी बंदी सब बेकार चीज़ें हैं। माँ का प्यार होता है तो रिस्पेक्ट करो, और तुम्हें पूजा करना है तो माँ की पूजा करो। रिपोर्ट में हो गए, लेकिन भाइयों बंदीबाजी बिल्कुल मत करना। बंदीबाजी जिस दिन तुम करोगे बंदीबाजी, समझ लो तुम्हारे उस दिन से किस्मत में लोड़े लग गए। तो बंदीबाजी दूर रहो और खुश रहो। ऑफिस वालों ने मुझे कुछ कैश दिया है, जाके डाल के आओ पैसे, क्योंकि मैं अकाउंटेंट हूँ कंपनी का, इसलिए मैं जा रहा हूँ बैंक, तो कैश डालूंगा। तुम थोड़ा शॉपिंग करनी आज, और क्रेडिट कार्ड का बिल बन चुका है उसको पेमेंट करनी है, और ये हमारा भाई डाल के आया इस गेम में। कैसा लगा तुम्हें कैश डालकर? कैश नहीं डाला, चेक डाला। चेक डाला इन भाई ने, चेक डाला, कोई दिक्कत नहीं, पर मैं कैश डालूंगा और तुम्हें कैश दिखाता हूँ। मैं देखो मेरे वॉलेट है, गड्डी देखो, पहले गड्डी देखो, ठोक क्यों रहा है? ठीक है जी, चलो तो भाई जा रहा हूँ मैं बैंक पे, तुम दिखा दो कैसे डालते कैश। तो भाइयों हम निकल चुके हैं बैंक के लिए, और ये है सेंट्रल मार्केट जस्ट आ गई है, और हम अभी लाजपत नगर घूम रहे हैं। और देखो भाई यहाँ पर कितने बड़े बड़े शोरूम हैं, ये देखो नारंग गारमेंट्स, लिवाइस, यहाँ आगे कोटक महिंद्रा बैंक है, यहाँ बुढ़े लोग खड़े हैं। लड़के कहाँ हैं मार्केट में? लड़के दिखी मेरी। अब हम जा रहे गली में ये देने के लिए मैडम का। यहाँ देना क्या? ये तो बंद है, बच्चा है। वो गाड़ी आ रही, वह गाड़ी आ रही है, ओवरटेक कर बहन करने को। भाइयों लाइफ में सब कुछ करना, चोरी करना, डाका मारना किसी का, लेकिन लोंडियाबाजी मत करना। जिस दिन तुम बंदीबाजी करे तुम्हारी लाइफ खत्म, उस दिन समझ लो ना तुम घर के रह पाओगे ना तुम दोस्त के रह पाओगे, ना तुम्हें दोस्त पूछेगा ना तुम्हें घरवाले पूछेंगे, क्योंकि तुम लड़कियों प्यार में बर्बाद हो जाओगे। लड़के जितना बच के रहोगे उतना सही है, चाहे तुम नशा कर लो, मैं जितना नशा करना नशा कर लो, कोई दिक्कत नहीं। लड़की बात से भागो। हम जा कहाँ रहे ब्रो? कौन से बैंक जा रहे हैं? वो लड़की अच्छी है, HDFC में तो मेरी मैडम बैठती है। मैडम क्या मतलब मेरी क्लाइंट समझ लो। तुम्हारा भाई रोज हर हफ्ते RD करवाता 5-5 लाख का। वो मेरी क्लाइंट है ब्रो। ब्रो मैं उसको सर्विस दे रहा हूँ, मैं उसको बिजनेस दे रहा हूँ ब्रो। मैं अबे तो तुम क्लाइंट हुए ना पागल। क्लाइंट मैं ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं। तुम क्यों चिढ़ रहे हो? तुम्हारी कुछ लगती है क्या? वो आ चुके हूँ देखो, HDFC बैंक, यहाँ गार्ड है नहीं भोसड़े का, साला प्राइवेट बैंक में आज गार्ड नहीं बैठ रहे थे, एक बंदूक लेके खड़ा है भोसड़े का। 40,000 डलवा के अपने अकाउंट में कैश, 40,000 रुपये। ब्रो तुम्हें पता है क्या होता है, जब इंसान अमीर हो जाता है ना तो उसके टट्टे भारी जाते हैं। और मैं दोस्त मुझे बोलते हैं कि भाई, मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ, मुझे लोग बोलते हैं कि भाई तू अमीर हो गया, बड़ा आदमी हो गया। हाँ भाई बड़ा आदमी हो गया हूँ मैं क्या गलती बता? अब तुम बहन कड़ा कमा नहीं पाए तो तुम्हारी है ना, मेरी गलती तो है ना। ये देखो ऊपर काम चल रहा है बाबा। लड़के नहीं थी आजकल बालकनी में, लड़के गायब हो गया, सब इंस्टाग्राम पर रील्स बनाने लगे हुए हैं क्या? गांड दिखा रही क्या बाबा? लड़की अच्छी लगी, सेटिंग कर लूँ इसे, देख रही है क्यूट सी है, उन्होंने बात नहीं करी, देख रही मुझे। और तुम्हारा भी स्मार्ट भी उतना, बाल झड़ गए कोई दिक्कत नहीं। और बाबा अरे आराम से चलाओ बाबा। तो यार थोड़ा दोस्तों को बोलता हूँ मैं, यार मुझे मत बोला करो, बड़े आदमी है, बड़ा आदमी हूँ यार, तुम्हारी औकात नहीं है मुझसे मिलने की, ठीक है? पर तब भी तुमसे मिलता हूँ तो मैं चाय पिलाता हूँ ना मैं बस। तो मैं अब जा रहा हूँ ऑफिस, डाल दिया कैश मैंने अकाउंट में, बाय। चलो भाई चलो ऊपर, चलो चलो। ये शॉप है आंटी, नमस्ते। चलो भाई चलो। आंटी जी बाहर नमस्ते करा मैंने। सही बात है अंकल जी। चलो चप्पल में वाओ ऑफिस। चलो चलो चलो। सो भाई मैं अपने ऑफिस पहुंच चुका हूँ, मैं अब काम कर रहा हूँ। ज़िंदगी में अब यही रह गया, एंट्री मारो, GST फाइल करो, ITR भरो, बस। अकाउंटेंट की लाइफ तो ख़राब हो गई। एक तो जब मिडिल क्लास में पैदा मत हो, और जब मिडिल क्लास पैदा हो तो अकाउंटेंट मत बनो। हमसे बढ़िया तो चाय वाला कमा रहा है, रिक्शा वाला कमा रहा है, महीने के 20-30 हज़ार का कमा लेते हैं, और फ्री फंड घूमते हैं, मतलब लाइफ ही फुल मजे ले रहे, घूम रहे, ऐश कर रहे हैं।
और हमें छुट्टी लेने के लिए गांव में मनाली करनी पड़ती है कि मैडम छुट्टी चाहिए, व्हाट्सअप करो, मेल करो, ये करो, वो करो। तो और हमसे चिलागिरी होता नहीं है कि इसे गांव के पीछे नहीं घुसते हम कि मैडम नमस्ते, चिमचागिरी हमारे बस की नहीं है। ये सब चीज़ें देख रहे पीछे, ये वहाँ देख रहे सब चिलागिरी करने लगे हुए, अभी भी चिलागिरी कर रहे, बताओ बंदे क्या करेंगे। पर अपना तो भाई यही लाइफ है भाई, खाओ पियो एंजॉय करो, संडे संडे क्वार्टर पियो आरएस का और एक छोटा एडवांस पियो रोज का, बस बाकी थोड़ा काम वाम करते हैं। और टाइम हो रहा है 1:37 हो रहे हैं, आधे घंटे में लंच हो जाएगा, आधे घंटे लंच होगा, फिर लंच करके फिर काम करने बैठो, फिर शाम को बाहर निकलो, छुट्टी होती है, दोस्त यार मिलते हैं, चाय पिलाओ, सिगरेट पिलाओ, फिर घर जाओ। किस्मत में ये लिखा है भाई, रोज़ पे सुबह उठो, नहा दो के फिर ऑफिस आ जाओ। जो जितने भी नए नए हमारे लड़के लपाटे हैं, जितने भी लड़का लड़की जो भी है, पैसा कमाते, दो पैसे कमाते, सोचते कि अपने आप को रईस समझते हैं और घर से भग जाते हैं, माँ से लड़ते, बाप से लड़ते और घर से निकल जाते हैं, 1-2 महीने बाहर घूमते ऐश करके फिर घर आ जाते हैं। तो दोस्तों मैं तुम्हें यही बोलूँगा कि यार कुछ बेनिफिट नहीं घर से बाहर जाना, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, कोई फ़ायदा नहीं घर से बाहर जाना। जब तुम्हारे पास पैसा है ना, तुम्हारे दोस्त पूछेगा, सब पूछेगा, जिसमें तुम्हारे पैसा ख़त्म हो गया ना, तुम्हें कोई नहीं पूछेगा, तुम्हें ऐसे घर वाले पूछेंगे। तो ये घर से भागना ये फालतू की चीज़ें सब, और जो तुम्हारे घर वाले बोलते हैं कि ये चीज़ बेकार है, तो चीज़ बेकार है, इस चीज़ पे तुम जाओ मत। इस भाइयों हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, घर भर से भागना बंद करो, अपने घर वालों की बात सुनो। जिस दिन माँ बाप चले गए ना, तुम्हें कोई नहीं पूछने वाला, फिर तुम्हें कोई नहीं पूछने वाला, तुम्हारे खुद के पर्सनल रिलेटिव भाई बहन कोई नहीं पूछेगा। जब तक माँ बाप है तो उनके माँ बाप के प्रेजेंट में खुश रह सकते हो, जी सकते हो लाइफ, जो मन चाहे तुम खा सकते हो। जिस दिन तुम्हारे माँ बाप चले गए ना, तुम्हें कोई नहीं पूछेगा। और दोस्त यारी करो, अच्छी बात है, दोस्त अच्छे होते हैं, पर आज की डेट में दोस्त यारी बेकार है, सब पैसों की माया भाई। तो जितने भी नौजवान लोग हैं जिनका गर्म खून है, घर से भागे धमकी देते हैं कि मैं रह लूँ फ्लैट में, ये कर लूँ, वो कर लूँगा, दो पैसे कमा लेते हैं, तो अपने औकात में रहें, समझ रहे हो ना। तो भाई देखो यार, माँ बाप को तुम रुला के जाओ कहाँ पे यार, जब माँ बाप रोते हैं दिल से, वो बेकार चीज़ें। और ख़ासकर जो लड़के लड़की चक्कर में भग रहे घर से, जिन्हें प्यार दिख रहा है, और माँ के प्यार के सामने किसी का प्यार कुछ नहीं है भाई, ये बंदी बंदी सब बेकार चीज़ें। माँ का प्यार होता है, तो रिस्पेक्ट करो, और तुम्हें पूजा करना है तो माँ की पूजा करो, क्योंकि माँ से बड़ा भगवान कोई नहीं है दुनिया में। बस प्लीज़ मैं एडवाइस दे रहा हूँ पर्सनली कि कुछ नहीं रखा है घर से भागना, ऐश करना, दारू पीना, क्लब में जाना, पार्टी करना, ये सब करना। घर में रहो, दाल चावल खाओ, हफ्ते हफ्ते चिकन खाओ, और हो सके तो हफ्ते हफ्ते तुम दो दोस्तों जो तुम्हारे बचपन के यार हो उनके साथ बैठ के बियर पी लो, कोई दिक्कत नहीं। ड्रिंक करना, नशा करना, ये भी बुरी चीज़ नहीं है, पर लिमिट करो, सब कुछ ओके है। ये मेरा डेस्कटॉप, मैं यहाँ पे वर्क करता हूँ, ये मेरा सिस्टम, ये मेरा स्टेटमेंट है, ये कीबोर्ड, और ये 2-3 बिस्किट है, इसमें चीटी लगी हुई है, चार्जर लीड, और ये ऑफिस के अंदर का सीन है पूरा। देखो चप्पल पहन रखा है, बैग रखा हुआ है, ये पैंट्री, यहाँ का खाना पीना फुल होता है अंदर। हाँ हमारा लंच रेडी हो रहा है, और ये भाई रेडी कर रहे हैं, रेडी ये गरम हो रहा है, जो भी ये गरम होके तो रेडी होगा। और ये है फ्रिज, है फ्रिज में क्या क्या है देखिए जरा, कैचअप, अंडे, वाह पूरे घर वाली भाई आती है ऑफिस में भी, बाबा क्या घुस रहा है। ये चीनी को ले रहे हो डालो गांड में, क्या कोई नहीं, ऐसे गर्म कर दो ना इसके अंदर, माइक्रोवेव के अंदर गर्म कर दो, ये क्या है दाल है, लंच करते हैं। मैं जा रहा हूँ ठीक है, छुट्टी हो गई मेरी ब्रो, मैं निकल रहा हूँ, मिलना मुझे शाम को। तो गाइस हमारी छुट्टी हो चुकी है, हम जा रहे घर की ओर, अब गाड़ी लेके आए क्या, क्या स्कूटर, चलो स्कूटर चलते हैं। हमें तुमसे प्यार कितना ये नहीं जानते, ये निखिल भाई है, ये फोन चला रहे हैं, बहुत खुश रहता है अपनी लाइफ से। पीछे जाओ, बैठ जाओ, चलो
भाई स्कूटर का भी अलग ही मजा है। गेट खोलते भाई। बंद हो गए? अबे यार कैसे खुलेगा ये? ट्राई मारते हैं, खुली नहीं रही। खुला तो है। लाइट कहाँ है? लाइट इसकी रही। चलो गाइस यहाँ पे भी खोलते हैं, इधर यहाँ से खुल जाएगा। चलो नहीं यहाँ से खुल जाता है ना गेट, यहाँ का खोलता है। दोबारा खुला है मैंने, लिफ्ट में अकेला तुम्हारा भाई खड़ा है यार लिफ्ट में। लेकिन वैसे लड़की साथ हो ना तो अलग ही मजा है यार। सही बात है, लड़की जब साथ हो ना लिफ्ट में तो अलग ही मजा होता है, पर अकेले अकेले क्या करूँगा यार। छोटा सा लिफ्ट है, गार्ड और फटती है लिफ्ट में बैठ खड़े खड़े, और रात का वैसे समय पंखा ऊपर चल रहा है। चलो गाइस हम जा रहे हैं घर की ओर, फिर मिलते हैं बाद में। और आज काम कम था वैसे, कोई दिक्कत नहीं, और निकल लिया हम घर की ओर। ये लॉक लग गया, कैसे खोलूं इसे? बैंचोद वैसे हमारा मंगलम भी भाई ग्रो कर रहा है, वैसे लगता गुड़गांव फरीदाबाद जैसे लगता है, नोएडा जैसे लगता है हमारा मंगलम भी। फुल लाइट वाइट लगा रहा है, केजरीवाल फुल काम कर रहा है भाई हमारे यहाँ पर भी। सही है यार, बैठने चेयर भी रख रखा है, पब्लिक बैठ सकते आराम से। पेड़ पौधे भी बहुत अच्छे कर रखे इन्होंने। आपको लोगों का लंडन चूसता है 50 रुपये में, 5 रुपये में, एक बीड़ी के चक्कर में आपको अपनी गांड देने के लिए तैयार हो जाता भाइयों। सही बात है, जिसको भी चाहिए आपको की गांड वाले, एक बीड़ी पिलाया उसे, बीड़ी पी के गांड मरवाएगा। हाँ हाँ सही बात है यार, मतलब उसे तू देख के उसे क्या फील होता है, बंदा किस टाइप वो किस कैसा है वो? मीठा 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 है वो। हाँ मुँह में लेता, मुँह में तू चला कैसे पता कि मीठा बंदा हूँ? मैंने खुद देखा उसे। कहाँ पर, किसके साथ देखा? किसके साथ देखा? धर्मा पे बस स्टैंड के पीछे गांड मरवा रहा था अपनी। किससे मरवा था? तिलुकपुरी के बंदे, लड़कों से। तो तिलुकपुरी के बंदे थे ना? चंद्र विहार के बंदे थे, चंद्र विहार के, उनके साथ गांड मरवा रहा था। अब बंदा वीडियो देखा था तो गाड़ी क्लच जाएगी, तो गांड देगा सबको, देख लेगा। तो दीपू भाई है, इन्होंने धर्मा के पीछे बस स्टैंड के पीछे देखा है अक्कू गांड मरवाते हुए। अक्कू गांड मरवाता है भाई, चंद्र विहार के बंदे का देखा इसने, बताओ। ये बंदा गलत है, वैसे हमसे नहीं मनवाता, बंदो बाहर के बंदो मनवाता हूँ। ओ तो बीड़ी बीड़ी पिलाओ, बीड़ी पिलाओ से बस हो जाएगा कम्पेटिटिव। ठीक है भाई।